प्रश्न है तो, प्रश्न है तो हम क्या लिख देंगे बाबू? उत्तर। फाइनल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? क्या सूत्र है? सूत्र अगर है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो क्या हम इसको जिंदगी भर याद करेंगे? कहां से आया ये 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसके बारे में हम जानेंगे, ताकि आज के बाद से हमें पूरे लाइफ में इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हम इसको आपको ट्रिक से भी बताएंगे, देखेंगे। हम घन का एक चित्र बनाएंगे, और आप जानते हैं कि घन की हर भुजा बराबर होती है कि नहीं होती है? अतः घन एक वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक वर्ग ये बन गया, दूसरा वर्ग ये बन गया, देख सकते हैं आप, तीसरा वर्ग ये बन गया, चौथा वर्ग ये बन गया, पांचवा वर्ग ये बन गया, और छठा वर्ग ये बन गया। तो एक घन में कितने वर्ग होते हैं बाबू? 6। और क्या होते हैं बाबू? वर्ग। तो 6 के 6 लिख देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। बस काम कंप्लीट हो गया मेरा। 6 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ये तो आप जान गए। अब आप इसको बनाएंगे कैसे ये भी देखिए। इसे मैं मिटा देता हूं यहां से, इसे भी मैं मिटा देता हूं, इसे भी। अब ध्यान से देखते चलिए। एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर हो गया। दूसरा वर्ग हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। ये तीसरा वर्ग हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। ये चौथा वर्ग हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। ये पांचवा वर्ग हो गया, इसके क्षेत्रफल क्या हो गया? और ये छठा वर्ग इसके अंदर में है, इसके क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा स्क्वायर। हम इसको यहां से उठा के यहाँ पे डाल देंगे, भुजा स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास कितने चित्र आ गए? 6। तो इसको हम दे देंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर। मैथमेटिक्स में भुजा को ए भी बोला जाता है, ए स्क्वायर, इसीलिए 6 ए स्क्वायर उतार सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, जो सूत्र पढ़ाया गया उसी पर प्रश्न है, तो हम उत्तर लिखवे करेंगे। घन, घन बना रहे हैं क्षेत्रमिति, पहले चित्र बनाएंगे। ये एक बेस्ट बॉय का सिलेक्शन है। जो बच्चा बिहार टॉप करना चाहता है, जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप करना चाहता है, जो हिंदुस्तान टॉप करना चाहता है, वो बच्चा इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले अगर घन दिखाई दे दिया तो उसे घन का चित्र बनाना ही पड़ेगा, और बिल्कुल अच्छा से उसको बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि वो एक ऐसा चित्र बना दे जो अच्छा नहीं लगे, फाइनल चित्र बनाएगा ताकि वो देखने में भी क्या लगे? सुंदर लगे और अच्छा लगे। देखेंगे यहां से इसको मिला दिए, फाइनल। सुंदर दिखने के लिए हम इस स्पॉट्स को ऐसे दागदार बना देंगे पेंसिल की, और चित्र जब भी बनाएंगे हम बाबू पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाएंगे। इसको बनाने में जो भी आपका योगदान हो, पेंसिल की सहायता से ही आप इस चित्र को क्या कीजिएगा, चित्र अच्छा लगे, इसके लिए आप इसको स्पॉटनेस में कर दीजिएगा, दाग दाग थोड़ा, ताकि इसके सभी फलक अपने आप से आगे आ जाएंगे। आप देख भी रहे हैं कैसा दिखाई दे रहा है, देख भी रहे हैं। अगर आपको इस पार्ट को अगर अलग दिखाना है, इस पार्ट को, तो देखिए ऐसे 6 पार्ट के जो ये इसके जो डिजाइनिंग होंगे सब अलग अलग होंगे, इसमें हर पार्ट्स इसके अलग अलग दिखाए जाएंगे, आप देख भी सकते हैं। क्या आपको पार्ट्स ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, हो रहा है, दिखाई दे रहा है। आप भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके पार्ट्स हो गए। अगर आपको इसको दिखाना है, इसको
तो आप इसको कलर में मार दीजिए, हो गया। ये हैं इसके पार्ट्स को दिखाने के नायाब तरीके, देख सकते हैं आप इसको, ये भी एक पार्ट्स ही है इसका, ये भी इसका एक पार्ट्स है, इसको दिखाने का यही एक नायाब तरीका है। बेस्ट बॉय सिलेक्शन ऐसे नहीं होते हैं, कई टेस्टों पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट दे के कोई बच्चा बेस्ट बनता है, कोई बच्चा बेस्ट ऐसे नहीं बनता है, ये बात ध्यान देंगे, हो गया। और ये वाला हमारा जो बच गया, इसमें हम स्टार ऐसे ऐसे भर देंगे, आप देख सकते हैं इसके 6 फलक हैं, और 6 फलक आपको एकदम सामने क्या हो रहे हैं, दिखाई दे ही रहे हैं। आप ऐसे अगर बनाते हैं, फाइनल ओके, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, दिया है घन की भुजा, क्या दिया है बाबू, घन की भुजा कितनी दी गई है, वाह वेरी गुड, 7 सेंटीमीटर, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर, बराबर है तो बराबर देंगे, 6 है तो 6 देंगे, गुना है तो गुना देंगे, भुजा, भुजा कितना दिया है बाबू, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6, और 7 को 2 बार लिखना है, 7 सेंटीमीटर और गुने 7 सेंटीमीटर, अब ये तो गुना है, 642, और 42 में हम 7 से गुना करेंगे, 7 × 2 = 14 के 4 हाथ में लगा, 1 × 7 = 28 और 1 = 29, 294 सेंटीमीटर, एक वा सेंटीमीटर, एगो एक ताला कै ताला, दुताला, फाइनल, बात बराबर हो गया। देख सकते हैं आप इस प्रश्न का आंसर आ सकता है, इस प्रश्न को भाई इस चित्र के द्वारा आप बोर्ड में बनाते हैं तो मैं आपसे 100% नहीं 200% गारंटी करता हूं कि जो भी एग्जामिनर इस कॉपी को साइन करेगा वो आपको फुल एंड फाइनल नंबर देगा। उतार सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तो आप हो गया, इस क्वेश्चन के सहारे आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, जो आप घर से बनाइएगा, 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर यहां भर लीजिएगा, इस जगह पर इसको बना लीजिएगा, 12 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, इसको घेर करके तीनों को 3 क्वेश्चन बना करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, उतार लेंगे इस क्वेश्चन को। घन का आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रश्न आ चुका है हमारे बोर्ड पे, हम यहाँ पे घन रख भी चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आयतन की परिभाषा जानेंगे। आयतन हम कहते किसे हैं, किसी वस्तु को हमने रख दिया, किसी वस्तु को हमने रख दिया, मान लीजिए कि ये बुक है, हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, तो इसका माप ही इसका आयतन कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके द्वारा घेरे गए जितने भी जगह होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इसका जगह ही घेर लिया, घेर लिया कि नहीं, देख लेंगे, ये घेर लिया था ये जगह, तो जितना ये है उतना यही है, और जितना ये है उतना, तो ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो साइलेंट, किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा घेरने वाली उसकी जो स्थान होती है, घेरने वाली क्या होती है, उसकी जो स्थान होती है, जब हम उस स्थान को मापते हैं, क्या करते हैं, तो उसे ही हम आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं, आयतन। जब हम उस घेरने वाले स्थान को क्या करेंगे, मापेंगे, ठीक है, तो देखेंगे ये तो आयत है, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ वर्ग को रखे हुए हैं, और आप जानते हैं कि वर्ग एक त्रिविमीय आकृति है, वर्ग कैसी आकृति, सॉरी, ये घन कैसी आकृति है, घन एक त्रिविमीय आकृति है, कैसी आकृति है बाबू, त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय आकृति में क्या आती है, लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, और क्या आती है, ऊंचाई आती है, ठीक है। अच्छा, लंबाई अगर हम कोई भी देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम भुजा में देंगे 7, 8, 9, 10, कोई ना कोई संख्या देंगे,
चौड़ाई भी देंगे तो किसमें देंगे? भुजा में। ऊंचाई भी देंगे तो किसमें देंगे? भुजा में। अरे बाबू है देखिए, भुजा 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 मकई चना के भुजा नहीं, देखिए भुजा। तन देखिए एक ताला दू ताला तीन ताला, तो घन के आयतन का सूत्र यही होता है। क्या होता है? भुजा क्यू। घन एक त्रिविमीय आकृति है, इसको तीन तीन क्षेत्रों से मापा जा सकता है। एक तो इसकी लंबाई मापी जा सकती है, कि नहीं, एक इसकी चौड़ाई मापी जा सकती है, और एक इसकी ऊंचाई। तो लंबाई मापी गई, चौड़ाई भी मापी गई और ऊंचाई भी मापी गई, तीन वो भुजा आया। इसलिए घन का आयतन क्या हो गया बाबू? भुजा क्यों। चलिए आप लोग इसको उतार सकते हैं, उतार लीजिए, उतार सकते हैं। घन की आकृति क्या होती है? भुजा क्यों होती है, देख सकते हैं आप लोग। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो भुजा 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 लिख दिए। एक ताला दो ताला एक तीन ताला, बात खत्म, उतार लीजिए। क्वेश्चन है घन का आयतन ज्ञात करें, यदि भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर दी गई हो। चित्र बन चुका है घन का, देख सकते हैं यहां पे दिया गया है घन की भुजा। किसकी भुजा? घन की भुजा, कि चना का भुजा? घन की भुजा, 6 सेंटीमीटर। वाह वेरी गुड। इसलिए घन का आयतन का सूत्र बताना है। आयतन का बोलिए, भुजा क्यू। भुजा क्यू, भुजा क्यू हो गया। तो क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर का क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 36 में 6 से गुना करेंगे 216 सेंटीमीटर। एक ताला दो ताला एक तीन ताला सेंटीमीटर, तीन ताला हो गया हमारा आंसर। उतार सकते हैं आप इस वीडियो को, इसमें होमवर्क भी देते हैं। 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उतार करके बना करके आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, 1 दिसंबर से वर्ग 10 का बैच शुरू होगा बसंतपुर में सरिया रोड, ठीक है। एक और बात है हम आपसे बता देना चाहते हैं, आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 96 8823 ये भी नंबर है। एक और है 6216895356, दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। दिसंबर से लेकर के मात्र जनवरी तक ही बच्चों का एडमिशन होगा। जो भी बच्चे आ जाएंगे जनवरी के बाद, किसी भी बच्चे का एडमिशन वर्ग 10 में नहीं होगा, और वही बच्चे वर्ग 10 की तैयारी करेंगे। 1 दिसंबर से बैच शुरू होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस वीडियोस को आप खुद देखें, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, और तमाम स्टूडेंटों को बताएं, ताकि इस वीडियोस से बच्चों का भला हो सके। देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पे ध्यान देंगे कुल घ। ए देखिएगा पहले हिंदी में इस घ को देखिए, थोड़ा ध्यान से ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। ये लिख दिया गया घ, तो घ यहां से पाई हटा दीजिए, ये हिंदी का छ है, हिंदी की गिनती का छ है, ठीक है। तो इसीलिए छ भुजा स्क्वायर, बात खत्म, समझ में आ गया। अब देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और घन का आयतन भुजा क्यू, इसको देखेंगे। तीनों में देखिए, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, यानी कि अगर a अगर नहीं दिया रहे तो आप घन का कोई भी सवाल नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन इस बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, यहां पे आपके पास एक प्रश्न आएगा, साइलेंट रहेंगे आप लोग, यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न आएगा, उसको आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन है किसी घन की भुजा 4 मीटर है तो आयतन ज्ञात करें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें और कुल पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए 3 क्वेश्चन है, मात्र 3 लाइन में अटेंड होगा। पहले बोर्ड पे देखेंगे, सवाल अगर समझ में आएगा तब उतारिएगा, नहीं तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न है क्या लिखेंगे? उत्तर। चलिए वेरी गुड आंसर, घन। जाहिर सी बात है कि हम एक चित्र अब बनाएंगे। घन का चित्र बनाने के लिए सारी भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वेरी गुड, सारी भुजाएं उसकी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये घन हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए मुस्कुराइए मत क्लास में, ये सब धंधा मत कीजिए, ठीक है? पढ़ने आए हैं, बाप मातारी पढ़ने भेजा है, पढ़ के चले जाइए। किसी घन की भुजा कितने मीटर है? 4 मीटर। वाह, किसी घन की भुजा 4 मीटर है, यानी सवाल आपने यहां तक पढ़ लिया, देख लिए आप, ये सवाल पढ़ लिए हैं, बात मत कीजिए। क, आयतन ज्ञात करें। हम यहां पर क लिखेंगे और देखेंगे आयतन, आयतन। देखो बाबू, सूत्र अगर भूल गए हो तो टेंशन नहीं है, तन है लास्ट में, क्या है? तन। तन से 3 यहां ऊपर लिख दो, यहां घेर दो, और बीच में जो दिया है उसको लिख दो 4 मीटर। इसका सूत्र भी होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। और 4 मीटर को देखिए, 3 ताला है, 4 मीटर, 3 बार इसको तोड़ेंगे, 4 मीटर गुने 4 मीटर गुने 4 मीटर, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 1 ताला 2 ताला 3 ताला, मीटर कितना हो गया? बस इसका आयतन यही हो गया। आप लोग उतार सकते हैं इसको, क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ओके, हमारे पास ख नंबर पर आ गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देंगे बाबू जी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र हमारा होता है 4 भुजा स्क्वायर। देखिए सूत्र में है 4 तो 4 लिख देंगे, गुना है, भुजा क्या है बाबू? 4 मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर। देखेंगे 4 का 4 आ गया, गुना 4 मीटर कितना बार? 2 बार। बहुत अच्छा, 4 मीटर गुने 4 मीटर, देख सकते हैं 4 चौका 16, 16 चौका 64, मीटर 2 ताला के 3 ताला। वाह, वेरी गुड, वर्ग मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उतार सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। चलिए अब इसका हम गौ नंबर सवाल हम हल करेंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। गौ नंबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बच्चा, ए 100 बार बोले हैं कि बात नहीं होना चाहिए, इस बार मना नहीं करेंगे, याद रखिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हिसाब का आप समझिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, ये आ गया 6 गुने भुजा हमारी कितनी है बाबू? 4 मीटर। 4 मीटर का हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर दे दिया। 6 गुने 4 मीटर हमारा 2 बार है, 4 मीटर गुने 4 मीटर हो गया 6 चौका 24, 24 चौका 96, मीटर 1 ताला 1 ताला 2 ताला। बात फाइनल, साइलेंट। इस पे आप लोग होमवर्क ले लीजिए। 7 मीटर घन की भुजा, 7 मीटर 6 मीटर बनाइएगा, और बना करके आप इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि कितना इसके आंसर आया है। ओके ओके, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे दिया गया है, वहां ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा था, 7 मीटर और 6 मीटर आपका HW है। आप इसको घन की भुजा मान करके आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को डाल सकते हैं। ओके okay?